हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, आपने थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा कि दो वर्कर गए थे अभी नमाज़ पढ़ने। आज के दिन नमाज है, आपको मालूम है कि बकरीद का नमाज है, मतलब बड़ा ईद का, जो ईद का नमाज है। तो दोनों वर्कर गए थे नमाज़ पढ़ने, तो उनको 1,20,000 मिला। तो प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों कि ये कैसे मिला और जो मिलने वाला कौन सा कंट्री का है और आपको किस तरह से मिल सकता है। प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप लोग ये वीडियो झूठ नहीं मानना, ये वीडियो हकीकत है दोस्तों। वीडियो पूरा देखना और लास्ट तक देखोगे तब आप बोलना कि भाई सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ठीक है? तो दोस्तों, आपको मालूम है कि मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, बट कुछ ऐसा अपडेट आ जाता है तो मैं सिर्फ अपने वर्कर भाइयों के लिए ये सब अपडेट डालते रहता हूँ, क्योंकि वर्कर मैं हूँ दोस्तों। तो वो फीलिंग समझता हूँ और वो दर्द समझता हूँ, इसीलिए मैं आप लोग के लिए चैनल खोला हूँ। इस पर 30,000 वर्कर भाई से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तो ये हम लोग का एक फैमिली बन चुकी है। तो इसीलिए दोस्तों, मैं इस तरह का अपडेट डालते रहता हूँ ताकि आप लोग भी अवेयर हो जाओ और मैं भी अवेयर रहूँ। तो दोस्तों, चैनल पर नए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट करना, क्योंकि आपको मालूम है मैं वैकेंसी से रिलेटेड भी वीडियो बनाता हूँ। कोई कंपनी का अगर वैकेंसी आ जाता है तो मैं सोचता हूँ कि इमिजिएटली डाल दूँ ताकि आप तक पहुँच जाए, और उसको सब्सक्राइब कर लोगे तो जल्दी पहुँचेगा आपके पास, तो जल्दी अप्लाई कर सकते हो और आपको जल्दी जॉब मिल सकता है। तो अभी तो फिलहाल तो ऐसा कुछ वैकेंसी आई नहीं है, जब आती है तो मैं इमिजिएटली डालने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो जो भी बताऊँगा दोस्तों, अपने 12 साल का एक्सपीरियंस से बताऊँगा। ऑलरेडी खुद मैं दुबई में 12 साल से जॉब कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जो जैसा मैं बताया कि ईद के नमाज़ पढ़ने गए थे, दो वर्करों को 1,20,000 मिला। तो दोस्तों, ये कैसे मिला? मैं एक दिन पहले ही एक वीडियो डाला था, आप देख सकते हो मेरे चैनल पर जाके, और ये जस्ट मैं अवेयरनेस के लिए वीडियो डाला था कि आप ये चीज़ नहीं करना, ठीक है, ये गलती नहीं करना। फिर भी आपने ये गलती किया और आज है कि खमियाजा आपको भुगतना पड़ा। 1,20,000 दरहम नहीं दोस्तों, इंडियन मनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और वो मिला नहीं, देना पड़ेगा। इसलिए मैं उल्टा करके लिखा हूँ कि ताकि आप लोग इस चीज़ से पढ़कर वीडियो पर आएँ और देखें कि हकीकत बात क्या है। नहीं तो सीधा सीधा मैं अगर ऐसा लिख देता कि 1,20,000 का फाइन आया है तो आप लोग इग्नोर कर देते और सोचते कि झूठ है। जब आपके साथ ये गुजरेगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या है। अभी एक बंदे को आपको मालूम है कि यहाँ पे 3,000 दरम का फाइन है, ठीक है, अगर आपके मास्क आप नहीं पहने हो, पुलिस आईडी का फोटो खींच लिया, तो 3,000 दरम फाइन है। तो दोनों बंदे को मिलाकर कितना हुआ इंडियन मनी, समझ लो 1,20,000। अब 1,20,000 ये लोग को अपने पॉकेट से यहाँ कमा कमा के पे करना पड़ेगा, और ये हकीकत बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ये आप इसको झूठ नहीं समझना। जब आपके साथ या हमारे साथ ऐसा गुजरेगा ना, तो उस टाइम हम लोग को तारा नज़र आएगा। तो मैं अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया था एक दिन पहले, बट कोई सुना नहीं, और आखिर में उन लोग को ये बड़ा मतलब ईद अच्छे से मन गया। तो ये लोग क्या कर रहे थे दोस्तों, ये एकदम रियल एग्जाम्पल है दोस्तों, मैंने अपने आँखों से देखा हूँ, तब मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कल ही मैं ये वीडियो डाला था कि यह सब चीज़ गलती मत करना, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने यह सब रूल लागू किया था कि ये चीज़ नहीं करना। बट वो लोग को मालूम है कि अभी कहीं भी मस्जिद में अगर नमाज होता है तो पुलिस वाले बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं वहाँ पे। सिक्योरिटी एकदम अच्छा होता है, क्योंकि जो भी कोविड का रूल है और गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने के लिए, कि कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। तो ये लोग क्या कर रहा था, जबकि यहाँ पे गला मिलने का अभी बोल दिया था कि किसी को कोई गला नहीं मिला सकता, हाथ नहीं मिला सकता, जर नमाज थोड़ा सा मतलब इकट्ठे करके नहीं पढ़ सकते हैं नमाज। तो वो लोग क्या किया दोस्तों, वो लोग क्या किया कि गले मिल रहे थे और बगैर मास्क का, वैसे ही क्या किया, पुलिस वाले जस्ट वहीं पे थे। आई डोंट नो वो लोग कौन थे, मगर ऐसे मुझे लगा कि नए थे और विजिट वीज़ा पे आए हुए थे, मुझे ऐसा लगा देखने से, क्योंकि मैं उसके पास जब तक गया तो उन लोग को पुलिस हाथ नहीं किया, उनको जानने पहचाने वाले ऐसे चलो चलो करके लेकर रूम चले गए। अब एग्जैक्टली उन लोग से मिलूँगा तब पता चलेगा कि क्या मतलब कहाँ से हैं वो लोग और क्या कहाँ से। ये तो पता था कि वो इंडियन है, बट वो मतलब विजिट वीज़ा पे है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे है ये पता नहीं है दोस्तों, बट ये लोग के साथ ऐसा रियल घटना है। तो ये सब चीज़ के लिए दोस्तों मैं आप लोग के लिए अवेयर करते रहता हूँ वीडियो बना बना कर, कि इस तरह का गलती आप नहीं करो। अब मान लिया अगर वो लोग विजिट वीज़ा पे होगा, ठीक है, और जॉब नहीं करता होगा, तो एक तो जॉब सर्च करने के वो लोग पैसे इकट्ठा करके कैसे कैसे खर्च करके यहाँ पे आया होगा, और यहाँ आने के बाद और अब पैसा पे करना, बगैर पे करे हुए आप एयरपोर्ट के बाहर जा नहीं सकते हो। जैसे ही आप पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन में जाओगे एग्जिट करने के लिए वहाँ पे एयरपोर्ट पे, वैसे ही आपको फाइन का मैसेज आ जाएगा, तो फाइन पे करोगे तभी आप अंदर जा सकते हो, मतलब प्लेन के अंदर जा सकते हो। तो दोस्तों, ये रियल घटना है, और आप लोग को ये सब सीखने की ज़रूरत है। ये सब अभी 3 दिन जो छुट्टी है, आज तो ये है सैटरडे है, तो सैटरडे संडे और मंडे ये छुट्टी है। ये तीनों दिन आप ये नहीं सोचना कि कोई नहीं देख रहा है,
अगर 22 लाख आपके ऊपर मुसीबत आने वाला रहेगा दोस्तों, तो कोई देखने की जरूरत नहीं, वो लोग कैसे ना कैसे वहाँ पे आकर आपको बस आईडी का फोटो खींच लेंगे और आपको प्रॉब्लम। और ये सब फाइन जो है ना, ये कंपनी नहीं किसी को देती है, खुद को पे करना पड़ता है। अगर आप नहीं पे कर पाओगे तो कंपनी आपका सैलरी काट के वो लोग को फाइन पे कर देगी। इसलिए दोस्तों अभी से भी आप 3 दिन छुट्टी है तो ये सब पर बिल्कुल ध्यान देना। आपका भाई बता रहा है तो ऐसी नहीं, एक वर्कर के फीलिंग समझता फिर मैं आप लोग के लिए ये सब वीडियो बनाता हूँ। मुझे शौक़ नहीं है दोस्त ये सब का भाषण करने के लिए, बट जो रियल है। और मैं वर्कर एक एक रुपये एक एक दरम हम लोग इकट्ठा यहाँ करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग अच्छे से अगर यहाँ पर जी खा लें और जो हिसाब से रहना चाहें तो एक दरम हम लोग घर पर नहीं भेज पाएंगे। उतना पैसे भी 1000-1200 भी हम लोग के लिए कम पड़ेगा, मगर हम लोग अपने जी मार कर, हम लोग कुछ खाने का दिल भी करता है तो उसे रोक कर, कुछ पहनने का दिल भी करता है उसे भी, मतलब अपने अपने शौक़ को मार कर फिर भी अपने फैमिली के लिए पैसे इकट्ठा करके भेजते हैं कि ताकि वो लोग खुश रहें। तो ये सब चीज़ दोस्तों आप लोग सतर्क रहना, ये 3-4 दिन सही से गाइडलाइंस को फॉलो करना, कहीं भी जाना मास्क पहन कर जाना, नहीं तो आप लोग के साथ ऐसा घटना हो सकता है, फिर आप भी प्रॉब्लम फंस सकते हो। जस्ट ये अवेयरनेस के लिए वीडियो बना दिया कि आप लोग को ये सब चीज़ न्यूज़ पता चले। मिलता हूँ दोस्तों नया अपडेट के साथ, और जो भी सवाल है चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करो, आपका भाई ज़रूर जवाब देगा। और आपको लास्ट में सभी भाइयों को ईद मुबारक, और मिलता हूँ दोस्तों नए अपडेट के साथ, जब तक गुड बाय।